एक वक्त था जब पर्दे पर अभिनय करने वाले कलाकारों की अपने किरदार के अनुरूप ही छवि बन जाया करती थी, जिसे अगर वो बदलना भी चाहें तो बहुत मुश्किल होती थी। कभी कभी तो इस प्रयोग में हमेशा उन्हें असफलता ही हाथ लगती थी। सकारात्मक भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार जहां सबके दिलों में अपनी जगह बना लेते हैं, वहीं नकारात्मक भूमिकाओं को अभिनीत करने वाले कलाकारों को दर्शकों की नफरतों का सामना करना पड़ता है। KN सिंह, जीवन, प्राण, प्रेम चोपड़ा, रंजीत, डैनी, अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, सदाशिव अमरापुरकर और मोहन जोशी जैसे हिंदी सिनेमा के ढेरों ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें दर्शकों से गालियां ही नसीब हुई थीं, और दर्शकों की नजर में उस छवि को बदलने के लिए उन्हें कई सकारात्मक भूमिकाएं निभानी पड़ी। इस प्रयास में प्राण और अमरीश पुरी जैसे कुछ अभिनेता तो अपनी दमदार अदायगी के चलते आसानी से सफल भी हो गए, लेकिन बहुतों को किरदार के साथ ढेरों प्रयोग करने पड़े तब जाकर दर्शकों ने उन्हें स्वीकार किया। ऐसा भी नहीं है कि फिल्मों में नकारात्मक भूमिकाओं को निभाने वाले हर एक अभिनेता को शुरुआत से गालियां नसीब हुई हूँ। कुछ अपवाद भी हैं जिन्हें नकारात्मक किरदार निभाने के बावजूद दर्शकों से प्यार किसी नायक की तरह ही मिला, बल्कि नायक से भी बढ़कर मिला। ऐसे अभिनेताओं में एक्टर अमजद खान के बाद जो नाम जहन में आता है वो है 90 के दशक में आए दमदार अभिनेता आशुतोष राणा का। अमजद खान की तरह आशुतोष राणा को भी विलेन की नकारात्मक भूमिका निभाने के बावजूद दर्शकों से भरपूर प्यार मिला। पर एक बात हम यहाँ साफ कर दें कि किसी एक्टर का नाम लेने का हमारा मकसद यहाँ किसी की तुलना करने का बिल्कुल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना धर्मेश। आपका स्वागत है बॉलीवुड के रोचक किस्से की श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं अपने दमदार अभिनय से एक अलग मुकाम बनाने वाले हर दिल अजीज अभिनेता आशुतोष राणा के जीवन के बारे में। साथ ही जानेंगे उनसे जुड़े कुछ रोचक और अनसुने किस्से। अभिनेता आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को गाडरवारा में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में स्थित है। उनका पूरा नाम आशुतोष राम नारायण निखरा है। आशुतोष के माता पिता उनको प्यार से राणा कह के बुलाते थे। उनका बचपन गाडरवारा में ही बीता और उनकी शुरुआती शिक्षा वहीं के विद्यालय से हुई। बाद में उन्होंने डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। आशुतोष की पढ़ाई से जुड़ा एक बहुत दिलचस्प किस्सा है, जिसके बारे में जानकर यकीनन आपको गर्व महसूस होगा। और इस घटना का जिक्र आशुतोष ने खुद कई बार किया है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने बेहतर शिक्षा के लिए आशुतोष और उनके भाई का दाखिला गाडरवारा से जबलपुर के क्राइस्ट चर्च स्कूल में करवा दिया। कॉन्वेंट स्कूलिंग का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक दिन जब उनके माता पिता उनसे स्कूल में मिलने आए तो उनके पैर छूने के बजाय उन्होंने गुड इवनिंग कहकर उनका अभिवादन किया, और जिस माँ से वो हर वक्त लिपटे रहते थे उनके पास तक नहीं गए। माँ की मुस्कुराहट से उन्हें लगा कि सब लोग उनके आत्मविश्वास से प्रभावित हो गए हैं, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। थोड़ी ही देर बाद उनके पिता ने कहा, अपना सामान पैक करो, तुम लोगों को गाडरवारा वापस चलना है, आगे की पढ़ाई अब वहीं होगी। बड़ी हैरानी के साथ जब उन्होंने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो उनके पिता ने जवाब दिया, राणा जी, मैं तुम्हें मात्र अच्छा विद्यार्थी ही नहीं, एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता हूँ। तुम लोगों को यहाँ नया सीखने के लिए भेजा था, पुराना भुलाने के लिए नहीं। कोई नया यदि पुराने को भुला दे तो उस नए की शुभता संदेह के दायरे में आ जाती है। हमारे घर में हर छोटा अपने से बड़े परिजन, परिचित अपरिचित, जो भी उसके संपर्क में आता है उसके चरण स्पर्श करता है। लेकिन मैंने देखा कि इस नए वातावरण ने मात्र 7 दिनों में परिचित तो छोड़ो, अपने ही माता पिता से चरण स्पर्श की जगह गुड इवनिंग कहना सिखा दिया। मैं नहीं कहता कि इस नए अभिवादन में सम्मान नहीं है, किंतु चरण स्पर्श करने में सम्मान होता है, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ। विद्या तो व्यक्ति को संवेदनशील बनाने के लिए होती है, संवेदनहीन बनाने के लिए नहीं। मैंने देखा कि तुम अपनी माँ से लिपटना चाहते थे, लेकिन तुम दूर ही खड़े रहे। विद्या दूर खड़े व्यक्ति के पास जाने का हुनर देती है, न कि अपने से जुड़े व्यक्ति को दूर करने का काम करती है। और आगे उन्होंने कहा, आज मुझे विद्यालय और स्कूल में अंतर समझ आया। व्यक्ति को जो शिक्षा दे वो विद्यालय, और जो उसे सिर्फ साक्षर बनाए वो स्कूल। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे सिर्फ साक्षर होकर डिग्रियों के बोझ तले दब जाएं। मैं अपने बच्चों को शिक्षित कर दर्द को समझने, उसके बोझ को हल्का करने की महारत देना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए भेजा था, आत्मीय भाव भूलने के लिए नहीं। संवेदनहीन साक्षर से कहीं अच्छा संवेदनशील निरक्षर होना है, इसलिए बिस्तर बांधो और घर चलो। आशुतोष और उनके भाई तुरंत अपने माता पिता के चरणों में गिर गए। उनके पिता ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया और कहा,
किसी और के जैसे नहीं स्वयं के जैसे बनो। पिता के ये आशीर्वाद स्वरूप शब्द आशुतोष ने गांठ की तरह बांध लिए और उन बातों को याद करके वो आज भी आत्मविश्वास से भर जाते हैं। दोस्तों, बचपन से ही आशुतोष को अभिनय में विशेष रुचि थी और पढ़ाई के साथ साथ वो अपने शहर में होने वाली रामलीला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। वो रामलीला में रावण की भूमिका निभाया करते थे। उनकी अभिनय की प्रतिभा और लगन को देखते हुए उनके आध्यात्मिक गुरु पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी ने उन्हें दिल्ली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण लेने की सलाह दी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आशुतोष ने नाटकों में काम करने के साथ बॉलीवुड की ओर रुख किया और उन्हें वहां काम पाने में जल्द ही सफलता मिल गई। आशुतोष राणा के करियर की शुरुआत वर्ष 1995 में दूरदर्शन पर प्रसारित हो रहे महेश भट्ट के चर्चित धारावाहिक स्वाभिमान से हुई, जिसमें उन्होंने त्यागी नाम के गुंडे का रोल किया था जो कि एक प्रेमी भी था। इस धारावाहिक से वो हर घर के पसंदीदा एक्टर बन गए। आलम ये था कि हर एपिसोड में लोग उनके द्वारा निभाए गए किरदार त्यागी का इंतजार किया करते थे और दर्शकों ने जब अपने इस चहेते अभिनेता को बड़े पर्दे पर देखा तो वहाँ भी उन्होंने इसे हाथों हाथ लिया। वर्ष 1998 में आई फिल्म दुश्मन में उनके द्वारा निभाए गए खतरनाक साइको किलर को भला कौन भूल सकता है, और कौन भूल सकता है फिल्म संघर्ष के लज्जा शंकर के उस खौफनाक किरदार को जिसे आशुतोष ने बेहतरीन अभिनय से यादगार बना दिया था। आज भी इन फिल्मों में आशुतोष राणा के अभिनय को देखकर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संघर्ष और दुश्मन के लिए आशुतोष को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। हालांकि आशुतोष ने अपने हिंदी फिल्म के सफर की शुरुआत वर्ष 1996 में आई फिल्म संशोधन से किया था। फिल्म दुश्मन से पहले वर्ष 1998 में ही प्रदर्शित फिल्म जख्म और गुलाम जैसी कुछ फिल्मों के जरिए उन्होंने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी। आशुतोष भट्ट कैंप के एक बेहद खास और चहेते कलाकार रह चुके हैं। बॉलीवुड में शुरुआत से ही अब तक भट्ट कैंप ने उन्हें बहुत मौके दिए और वो हर मौकों पर खरे भी उतरे। लेकिन आपको ये बात जानकर ताज्जुब होगा कि आज जिस भट्ट कैंप के वो इतने लाडले हैं, कभी उसी भट्ट कैंप ने उनको डांट कर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हुआ ये था कि आशुतोष जब पहली बार निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से मिले, उन्होंने सीनियर होने के नाते महेश भट्ट के पांव छू लिए, लेकिन महेश भट्ट इस बात से भड़क गए क्योंकि उन्हें पैर छूने वालों से सख्त नफरत थी। दरअसल तब फिल्मी दुनिया में लोग काम पाने के लिए अक्सर लोगों के पैर पकड़ लिया करते थे और महेश भट्ट उस वक्त के सबसे व्यस्ततम निर्देशकों में से एक थे, तो उन्हें इस बात से उलझन होती थी। हालांकि बाद में जब महेश भट्ट को आशुतोष की प्रतिभा और ट्रेनिंग के बारे में पता चला तो उन्होंने आशुतोष से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि आगे आने वाली लगभग हर फिल्म में उनको एक विशेष रोल भी दिया। हासिल, दुश्मन, जख्म, संघर्ष, कुसूर, गुनाह, राज, कलयुग, कर्ज, एलओसी कारगिल, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रदर्स, धड़क और न जाने कितनी फिल्मों में आशुतोष ने अपनी कला का जौहर दिखाया। ये तुम अपनी नेतागिरी कोनो और क्षेत्र में जाके करो, हमारा आशीर्वाद है बहुत आगे जाओगे। जब मैं 11 साल का था ना, तब पहली बार यमराज मुझे लेने आना चाहता था। पता है मैंने क्या किया? एक तबेले में घुस के मैंने अपने गंडासे से 11 काले भैंसों को काट डाला। तेरी बुद्धली की वजह से विश्वनाथ, सिर्फ तेरी बुद्धली की वजह से पांच क्रांतिकारी मारे गए। जो चीज हमारे रास्ते से हटती नहीं ना बाबला, उसे हम मिटा देते हैं। आशुतोष ने इसके अलावा तेलुगु, मराठी, कन्नड़ और तमिल समेत अनेकों फिल्म की हैं और वहाँ भी सराहे गए हैं। आशुतोष अभिनय के हर माध्यम को बराबर सम्मान देते हैं, शायद इसीलिए वे टेलीविजन के धारावाहिक काली एक अग्नि परीक्षा के साथ साथ कई सारे शोज में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, आशुतोष को अभिनय के अलावा लेखन का भी शौक है। आशुतोष कविताएं, लेख और कहानियां भी लिखते हैं। विभिन्न मंचों पर अक्सर उनके कलम का जादू हमें उनके ही जरिए सुनने को मिलता है। आशुतोष बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, साथ ही साथ वो राजनैतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी समय समय अपनी बेबाक राय रखा करते हैं। आशुतोष राणा की शादी टीवी और फिल्म जगत की मशहूर अभिनेत्री रेणुका शहाणे से हुई। शाहरुख खान के दूसरे धारावाहिक सर्कस से चर्चा में आई रेणुका को असल प्रसिद्धि मिली दूरदर्शन के ही बेहद चर्चित शो सुरभि से, जिसमें उन्होंने सिद्धार्थ काक के साथ में एक होस्ट की भूमिका निभाई थी। सुरभि में उनके बेहतरीन काम को देखते हुए राजश्री प्रोडक्शन वालों ने एक भव्य फिल्म हम आपके हैं कौन में रेणुका को एक बेहद खूबसूरत किरदार निभाने का मौका दिया, जिसे रेणुका ने अपनी मासूमियत से भरी अदाकारी से जीवंत कर दिया।
जहां एक और फिल्म को जबरदस्त कामयाबी मिली, वहीं रेणुका भी पूरे देश की चहेती बन गई। रेणुका और आशुतोष के प्रेम व शादी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है, जिसे खुद आशुतोष ने कई साक्षात्कारों में साझा किया है। आशुतोष और रेणुका की पहली मुलाकात 90 के दशक के आखिरी में निर्देशक हंसल मेहता की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। हालांकि फिल्म तो अधूरी रह गई, लेकिन आशुतोष ने अपनी जिंदगी पूरी तरह रेणुका के नाम लिख दी। हालांकि ये मामला अभी एक तरफा ही था और आशुतोष को अपने दिल की बात बताने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। किसी तरह एक कॉमन फ्रेंड से रेणुका का नंबर मिला, लेकिन रेणुका को कॉल करने की बात भी इतनी आसान नहीं थी। दरअसल रेणुका किसी अनजान नंबर की कॉल नहीं उठाती थी और 10 बजे के बाद तो किसी की भी कॉल नहीं उठाती थी, चाहे वो कोई भी हो। आशुतोष ने उन्हें कॉल करने की बजाय एक मैसेज लिखकर भेजा, जिसका रेणुका ने रिप्लाई भी किया। करीब 3 महीने तक फोन पर ही बातें होती रहती थी, लेकिन बस इधर उधर की या काम की बातें। अभी भी आशुतोष अपने दिल की बात नहीं कह सके थे। दरअसल आशुतोष को इस बात का डर था कि कहीं मोहब्बत के इजहार के चक्कर में रेणुका से उनकी दोस्ती ही न टूट जाए। आशुतोष ने बहुत सोच समझकर अपनी लेखनी का इस्तेमाल किया। उन्होंने रेणुका से अपने प्यार का इजहार एक कविता के जरिए किया। उन्होंने वो कविता कुछ इस अंदाज में लिखी थी कि उनकी बात भी रेणुका तक पहुंच जाए और उनको बुरा भी न लगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, रेणुका को वो कविता बेहद पसंद आई और साथ ही आशुतोष के इजहार करने का अंदाज भी बहुत पसंद आया। वो तो कायल हो गई। वर्ष 2001 में दोनों ने शादी कर ली। बहुत कम लोगों को ही ये बात पता है कि आशुतोष से ये उनकी दूसरी शादी थी। रेणुका की पहली शादी विजय केंकरे से हुई थी, जो कि एक मराठी थिएटर के लेखक और निर्देशक हैं। शादी के कुछ ही दिनों के बाद दोनों का तलाक हो गया था। आशुतोष अपनी सफलता की वजह रेणुका को ही बताते हैं। दोनों का आपसी तालमेल बॉलीवुड में एक मिसाल भी है। आशुतोष और रेणुका के दो बेटे हैं, शौर्यमान राणा और सत्येंद्र राणा। दोनों ही अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। ऐसे ही कई खास और रोचक वीडियोस देखते रहने के लिए देखते रहें नारा टीवी। धन्यवाद।